हेलो एवरीवन सेल्फ प्रमोद ढाका टीम फिजिक्स तो डियर इस सेशन में हम हमारे एडवांस का पेपर वन जो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपके साथ 11th वाला पार्ट डिस्कस करूंगा और अंजनी सर आपके साथ ट्वेल्थ वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो so डियर आपका जेई एडवांस 2022 का पेपर हो चुका है फर्स्ट पेपर एक मॉडरेट सा पेपर था नॉट बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं है एक मॉडरेट सा पेपर था तो एक सा स्कोर इसमें बनाया जा सकता है आपने पेपर दे लिया बेटा एक्सपेक्टेड स्कोर आपको पता है अब आपको लगता है कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कम है आप ट्वेल्थ के साथ के स्टूडेंट है तो नीचे की ब्रांच में कंप्रोमाइज मत कीजिएगा स्कोर अच्छा होगा तभी अपनी अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज होगा तो नीचे की ब्रांच में कंप्रोमाइज मत कीजिएगा यदि आपको लगता है कि इस बार आपका स्कोर कम है एंड यू कैन इंप्रूव इट तो एज सोन एज पॉसिबल अपनी कोचिंग स्टार्ट कीजिए हर मंडे अगले दो मंडे हम जेई एडवांस के लिए हमारे दो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट मंडे जो इसके बाद चार तारीख को आ रहा है और उसके बाद का जो मंडे है उन दोनों मंडे को हम लोग नए बैचेस जेई एडवांस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं चलिए सर हम पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं इस पेपर में तीन सेक्शन है पहला सेक्शन जो है उसमें आठ इंटीजर वाले क्वेश्चन है दूसरा सेक्शन जो है उसमें छह मल्टीपल चोइस क्वेश्चन सेक्शन जो है उसमें चार मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है वैसे मैच द कॉलम है पर सिंगल मैचिंग टाइप ही है तो चलिए सर इस वाले पेपर में स्टार्ट करते हैं अपन पहला वाला क्वेश्चन जो है वो इलेवेंथ के पार्ट से है इसमें बोला गया है कि दो स्पेरिकल स्टार्स टू तो स्पेरिकल स्टार्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज एंड रेस्पेक्टिवली A and B have the same radius, and their masses M A and M B are related by this relation that M B is equal to twice M A. Okay. Due to an interaction process, the star A loses its mass so that its radius is halved. While its spherical shape is retained and its density remains rho A, the entire mass lost by A is deposited as a thick spherical shell on B.

जो रिमूव्ड मास की बात करूं तो रिमूव्ड मास रिमेनिंग मास बचेगा m/8 डेंसिटी सेम रखी है तो तो जो दिस इज द रिमेनिंग मास तो रिमूव्ड मास दैट इज 7m/8 एंड दिस इज डिपॉजिटेड ऑन बी इन फॉर्म ऑफ ए थिक सेल शेल के फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ तो हमने कहा भाई मान लो बी की रेडियस पहले r थी और उसके बाद कैपिटल r से स्मॉल r वाली जो डिस्टेंस है इसमें अपने पास ये ए वाला मास जो है ये डिपोजिट हो गया इस सेल की डेंसिटी रोए ही रहनी है सेल की डेंसिटी रोए रहनी है तो पहले मैंने कहा डेंसिटी जो थी की और उसके बाद में शेल के ऊपर मास है इस सेल का जो मास है दैट इज सेवन एम बाई एट डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम। तो so, सेल का वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब माइनस में बी का वॉल्यूम कैपिटल आर क्यूब फोर बाई थ्री पाई से फोर बाई थ्री पाई सही हो गया ये वाला डाटा जो मेरे पास आ रहा है दिस वैल्यू इज स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू सेवन कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई एट सो स्मॉल आर की वैल्यू यहां से सोल्व करने पर फिफ्टीन की पावर वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू आर आर ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई मतलब वो रेडियस हो गई बी की पूरी यदि मैं स्केप वेलोसिटी की बात करता हूं तो एक ही स्केप वेलोसिटी तो आती है अंडर रूट में टू बाद में मास कितना रिमेनिंग रहा बेटा m बाई एट और इसकी रेडियस जो रही अपने पास दैट इज आर बाई सो दिस वैल्यू कम्स एज अंडर रूट जी अपॉन ट्वाइस आर फिर उसके बाद बी की वेलोसिटी की बात की जाए वी दैट इज अंडर स्केप वेलोसिटी दैट इज अंडर रूट टू मास की बात करें बी का मास है टू एम और ए का जो मास उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है दैट इज सेवन एम डिवाइडेड बाई एट डिवाइडेड बाई उसकी रेडियस दैट इज 15 रेस टू द पावर वन बाई थ्री कैपिटल आर डिवाइडेड बाई टू सोल्व करेंगे सोल्व करने पर ये डाटा मेरे पास जा रहा है दिस इज सिक्सटीन ट्वेंटी थ्री एट तो दिस वैल्यू कम्स एज 23 थ्री जी एम डिवाइडेड बाई टू टाइम्स

तो यदि अपन इसको कंपेयर करेंगे तो अपने एन की वैल्यू जो है वो टू पॉइंट थ्री जीरो तक कैलकुलेट करना है तो फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ एन एस टू पॉइंट थ्री जीरो सर सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद यदि अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो इलेवंथ के पोर्शन से है मैंने बोला पहले स्पेसिफिकली की आई एम गोइंग टू डिस्कस द इलेवेंथ पार्ट रंजनी सर ट्वेल्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे

मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज दिस में कुछ ऐसी है 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 कि ये डिस्क है और ये और और कर रही है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो टू बाई थ्री है तो हमने कहा उतने टाइम में ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट यहां कुछ एंगल से रोटेट होकर पहुंचेगा शुरू में जो पॉइंट यहां था ना उसके बारे में हमने बात की है कि किसी टाइम में ये पॉइंट जब ऊपर अब जब ये पॉइंट इस वाली लोकेशन पे पहुंचेगा उस टाइम तक मतलब ये थोड़ा बहुत आगे जा चुका होगा तो उस पॉइंट के पास एक्चुअली में तो एक इधर वेलोसिटी होगी वीसीएम वाली और एक इधर वाली वेलोसिटी होगी ओमेगा आर वाली अब इस पॉइंट ने इस टाइम पर यहां से इस स्टोन ने कॉन्टेक्ट छोड़ दिया तो हमने कहा सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि यह कितने एंगल से रोटेट हुआ तो यदि मैं एंगल की बात करता हूं तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो तो हाफ अल्फा इन में टी स्क्वायर टाइम की वैल्यू रूट पाई है तो इट इज पाई मतलब ये पाई बाई थ्री एंगल से रोटेट हुआ है और उस टाइम पर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है दैट इज ओमेगा इन टू आर ओमेगा निकालना पड़ेगा ओमेगा इज अल्फा इन अल्फा की वैल्यू टू बाई टाइम इज रूट एंड द रेडियस इज गिवन एज वन मीटर तो इस केस में VCM अपने पास ही आ गया अच्छा जी VCM और ओमेगा आर दोनों बराबर होंगे प्योर रोलिंग का केस है और VCM और ओमेगा भी बराबर होंगे क्योंकि आर वन है अब मैंने कहा बॉडी के पास दो वेलोसिटीज हैं ये वाला जो एंगल है ना बेटा ये 60। ये वाला एंगल 60। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल थर्टी ये तो टेंजेंट और रेडियस की वजह से नाइनटी तो ये टोटल एंगल जो मेरे पास आया दिस टोटल एंगल विल बी 120 ठीक है अब देखो VCM और ओमेगा आर दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में तो यदि दो वेक्टर्स बॉडी पर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट मिड पॉइंट से होता है और उनके इक्वली होता है मतलब ये वाली वैल्यू VCM के इक्वली आएगी इसकी वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी टू रूट पाई डिवाइडेड बाई थ्री और मिड से निकलेगा एंगल बाई से तो सिक्सटी डिग्री पर निकल रहा है यदि यह 60 डिग्री पर निकला तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल के अकॉर्डिंग स्क्वायर स्क्वायर अपॉन लेकिन प्लेन से बात की गई है तो बेटा यह डिस्टेंस आर बाई टू होगी इसका मतलब यह भी आर बाई टू होगी तो यदि मैं इसके ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट की बात करता हूं देन इट इज आर बाई टू प्लस वी सी वीपी स्क्वायर साइन स्क्वायर सिक्सटी अपोन मेट टू जी रेडियस वन है तो इट इज वन बाई टू प्लस में दिस इज फोर पाई अपोन नाइन इंटू रूट थ्री बाई फोर का थ्री बाई टू का स्क्वायर थ्री बाई फोर डिवाइडेड बाई वन बाई ट्वेंटी तो टू इंटू टेन लिख लेते हैं ये फोर से तो फोर कैंसिल आउट हो गया ये थ्री टाइम्स कैंसिल आउट हुआ डाटा इज वन बाई टू प्लस में वन बाई सिक्स इंटू टेन हमें जो डाटा दिया गया है वो वन बाई टू प्लस एक्स बाई टेन की टर्म्स में है तो सॉरी और बचिए ना तो यहां से कंपेरिजन करने पर अपने एक्स की वैल्यू जो आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज पाई बाई सिक्स एंड योर पाई इज थ्री पॉइंट वन फोर और सिक्स के बेसिस पर पाई बाई सिक्स की बात की जाए सो दिस वैल्यू कम्स एज जीरो पॉइंट फाइव टू फोर फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज जीरो का और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बोला गया दॉलिड स्पीय ऑफ मास वन केन मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स इंक्लाइंड प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लेनेशन सिक्स थर्टी डिग्री फ्रॉम द होरिटल टू फोर्सेज ऑफ मैग्निट्यूड वन न्यूटन ईट पारल टू द इनक्लाइन एक्ट ऑन द स्पीय रेडियस डाउन द प्लेन डाउन द्लेन एक्सेरेशन बताना स्पीयर का देखो प्योर रोलिंग का केस है अब कई बार बच्चे इसको फ्रिक्शन लेकर करते हैं कई बार डायरेक्टली कॉन्टेक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क से एंगुलर एक्सिलेशन निकालो और वहां से डील कर सकते हैं जैसे सोनो मेरे को को पता है कि ऑब्वियसली इस इस वाले पॉइंट पर पर फ्रिक्शन लग रहा होगा कि छोड़ दो बात को। क्योंकि इधर जो फोर्स मैं बात करूंगा तो इस पर इधर एक फोर्स लग रहा होगा mg sin और आपका जो है ये रेडियस वन मीटर है और सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से भी इसकी जो डिस्टेंस है वो ही रही। ये one, ये वन, वाली तो तो यदि मैं से से इस इस वाले पॉइंट पॉइंट न्यूटन न्यूटन की डिस्टेंस की बात करूंगा, तो वन न्यूटन की डिस्टेंस डिस्टेंस बात होगी अब इस के टोटल तो टॉर्क में, तो में रेडियस तो से क्रॉस करेगा तो कोई टॉर्क नहीं देगा वन न्यूटन का टोर्क आ जाएगा वन में डिस्टेंस डिस्टेंस और ऊपर वाले वन का आ जाएगा वन थ्री बाई टू, 1 से क्योंकि ये ये वाला जो फोर्स है ना ये इधर वाले डायरेक्शन में लग रहा है तो एम जी साइन थीटा और इस वन न्यूटन के अपोजिट लग रहा है तो उसका टोर्क नेगेटिव में जाएगा टॉर्क को अपन वी कैन पुट इट आई एल्फा सो दिस वन इज फाइव

टेंजेंशियल या फिर सेंटर के एक्सेलरेशन की बात करूं तो बहुत देखो सिंपल सी बात है ये रेडियस ये डिस्टेंस इसके अबाउट ऐसे घूम रहा होगा ये डिस्टेंस आर सो इट विल बी अल्फा इनटू में रेडियस आर रेडियस की वैल्यू वन है सो एक्सेलरेशन इज 20 बाई सेवन मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ट्वेंटी बाई की बात करें टू सिक्स एट फोर फाइव पैंतीस पचास सेवन आगे चलता जाएगा तो पॉइंट दो पॉइंट तक राउंड ऑफ करेंगे सो दिस वैल्यू कम्स अस 2.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमसे यही पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन सो एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज 2.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो ठीक है क्या ओके सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 और 8 टेकी पीपीटी में रह गए कोई नहीं क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो ट्वेल्थ के पार्ट का है क्वेश्चन नंबर एट इलेवेंथ के पार्ट का है तो क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया है दट ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम होरिजोनटल ग्राउंड विद स्पीड वी एंड प्रोजेक्शन एंगल थीटा व्हेन the acceleration due to gravity is z, the range of projectile is d. मतलब u square sine two theta g की value d के equal है. हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री द प्रोजेक्टाइल एंटर्स ए डिफरेंट रीजन वेर द इफेक्टिव एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी अपॉन जीरो पॉइंट एट वन देन द न्यू रेंज के बारे में बोला गया न्यू रेंज जो एनडी है एन की वैल्यू बता दी देखो सबसे पहले यदि मैं सिचुएशन की बात करूं मतलब ये बोला गया कि यहां से यहाँ प्रोजेक्टाइल एंटर यहां तक जीता उसके बाद जी की वैल्यू चेंज हो गई तो उसका प्रोजेक्टाइल का पात मान लो कुछ ऐसा आया ये डिस्टेंस मेरे को पता है शुरू वाली कि यह तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हाफ चलता है आर बाई टू चल चुका है यदि मैं ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लू डेस तो क्वेश्चन बन जाएगा अप्रोच का तरीका फिर अब हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास इधर वेलोसिटी यू को थीटा है और ये जो डिस्टेंस है ये प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट यू स्क्र साइन क्योंकि मैक्सिमम अचीव करने तक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वही था तो वहां तक में कोई चेंज नहीं देंगे अब मैंने कहा अब आगे जो है ना वो बॉडी का मोशन ओरिजोंटल प्रोजेक्टाइल हो गया है तो हमने कहा नई रेंज जो आ रही है दैट इज आर डे इट इज आर बाई टू प्लस ओरिजोनटल वेलोसिटी इन में टाइम ऑफ फ्लाइट टू एच दू स्क्टा अपॉन टू जी डिवाइडेड बाई जीटिव दट इज जी अपॉन जीरो आर बाई टू अब यहां पर देखो एक तो यू कोस थीटा और एक यू साइन थीटा बाहर आ जाएंगे टू से टू शहीद हो गया जीरो पॉइंट जी स्क्वायर जी भी बाहर आएगा तो यू कोस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी और इधर रूट का 0.81 आ रहा है मैं क्या करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये 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 रेंज बन जाए तो ये R by 2. तो डाटा जो मेरे पास आ रहा है वैल्यू सोल्व करने पर देर बाई टू प्लस में आर बाई टू इंटू पॉइंट नाइन सो इट इज वैल्यू इज वन पॉइंट नाइन आर बाई टू

चलिए इसके बाद अपन मल्टीपल चॉइस वाले पार्ट में बात करते हैं इस मल्टीपल चॉइस वाले में छ क्वेश्चन है और साथ में पार्शियल मार्किंग का भी प्रोविजन है इस मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि इलेवंथ के पार्ट का है वो आया है अब ये जो क्वेश्चन है ना ये एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है हम इसमें दो गड़बड़ जो करते हैं ना जनरली एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम ए वन वी हैं वो तब होता है जब जब डेंसिटी सेम होती है पहला, दूसरा जब हम बर्नोली अप्लाई करते हैं ना पी प्लस हाफ रोवी स्क्वायर प्लस रोजी एच वो तब अप्लाई होती है जब लिक्विड होता है गैस के केस में जब आप अप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज को कंसीडरेशन में डालना पड़ेगा यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तो कोई दिक्कत नहीं है बट टेम्परेचर वेरी हो गया इस वजह से इंटरनल एनर्जी को भी कंसिडरेशन में डालना पड़ेगा ये जो दो बड़ी मिस्टेक्स हमसे होती हैं इस क्वेश्चन में जो बच्चों से जनरली हुई है जो फीडबैक आया है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं पहले की एक एन आइडियल गैस है जिसकी डेंसिटी जीरो पॉइंट पर मीटर क्यूब है एंटर से चिमनी ऑफ हाइट एच एट रेट जीरो

t1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू p2 की पावर 1 गामा t2 की पावर गामा हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे पहली चीज यदि मैं यहां से p2 कैलकुलेट करना चाहता हूं दैट इज p1 साथ में t1 अपॉन t2 की पावर गामा अपॉन 1 गामा ये आ जाएगा p1 इज 600 t1 इज 300 t2 इज 150 एंड दिस वैल्यू इज टू अपॉन वन माइनस टू सो दिस इज माइनस टू ये टू टू की पार माइनस टू और डिनोमिनेटर में जाके टू की पार्लस टू टू की पार्लस टू बोले तो फोर तो यहाँ से जो प्रेशर मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन में गिवन है, तो है अब लोअर एंड और हाइयर एंड पर वेलोसिटी के बारे में बात की गई है तो हमने कहा देखो डीएम बाई डी टी जो होता है ना उसकी वैल्यू रो ए वी के इक्वल होती है दिस डाटा डीएम बाई डी टी जीरो पॉइंट एट द डेंसिटी एट लोअर एंड लोअर एंड पे डेंसिटी है जीरो पॉइंट वन इन टू में वी तो वी की वैल्यू जो मेरे पास यहां से आ रही है सेकेंड तो लोअर एंड पे वेलोसिटी आ गई फोर्टी मीटर पर सेकेंड अब अपर एंड पे वेलोसिटी की बात करेंगे अपर एंड पे वेलोसिटी की यदि मैं बात करूं तो मेरे को अपर एंड पे डेंसिटी की वैल्यू चाहिए ठीक बात तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा अब डेंसिटी चाहिए तो किसी भी गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम दैट विल बी डेंसिटी तो डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास निकल के आती है पी मोलर मास डिवाइडेड बाई आरटी तो यदि मुझे रोटू चाहिए तो रोटू बाई रो वन कैन बी रिटर्न टी वन बाई टी टू अब पीट जो है ना दैट इज़ इज़ देन बाई टू बचा तो रोटू की वैल्यू रो वन बाई टू दैट इज जीरो पॉइंट वन के जी पर मीटर क्यूब हाइएस्ट पॉइंट पर डेंसिटी अब जैसे ही इसमें पुट किया दिस दिस इज इज 0.8 0.1 में क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है जीरो में v2 यहां से v2 की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड अपर पॉइंट पर वेलोसिटी 20 लोअर पॉइंट पर फोर्टी v1 की वैल्यू लोअर पॉइंट पे v1 कह देते हैं और क्या है तो ये दोनों ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बी वाला सेकंड वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है कि हाइट ऑफ चिमनी के बारे में कहा गया है तो हमने कहा भी जो भी वर्गडन है वर्गडन को अपन लिख सकते हैं पी वन इंटू में डेल्टा वी वन माइनस पी टू इंटू में डेल्टा वी टू प्रेशर का energy. अब energy में जो चेंज हुआ है एक तो काइनेटिक में पोटेंशियल में और इंटरनल में अब काइनेटिक में चेंज की बात करोगे तो हाफ डेल्टा एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस में हाफ डेल्टा एम चेंज तो में, में सीधा -सीधा हो, हो जाएगा इंक्लूड नहीं करते हैं यह नहीं करोगे तो हाइट फाइव नाइनटी आ रहा है बस यही प्रॉब्लम हो रही है बच्चों का थर्ड ऑप्शन करेक्ट थर्ड करेक्ट करते माइनस दो नंबर अब इस केस में यदि मैं डेल्टा एम से डिवाइड करूंगा ना तो वी कैन से तो ये कैंसिल उधर गया सो दिसन बाई रो वन टू पी टू बाई रो टू इज इक्वीए प्लस वी टू स्क्स वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू डेल्टा एम बाई डेल्टा भी डेल्टा एम बाईल सेम अब ये डाटा है 2 इनिशियल प्रेशर इज 600 एंड इनिशियल डेंसिटी 0.2 माइनस में 2 फाइनल प्रेशर इज 150 फाइनल डेंसिटी 0.1 इज इक्वल्स टू जीएच बोले तो प्लस वी v2 स्क्वायर दैट इज 1600 400 <coughs> यही डाटा आ रहा है v2 स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर v2 इज 20 सो so 400 1600 दैट इज 1200 1200 बाय तो माइनस में सिक्स हंड्रेड अपने पास आ गया अब यहां से सोल्व करेंगे बेटा। ये एक 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 जीरो 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 और और ऊपर ऊपर गया, गया, गया। गया। से चला तो 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 बच माइनस में सही इस डाटा को इधर भेजा तो हाइट जो मेरे पास निकल कर आ रही है दैट हाइट इज कमिंग एज थ्री मीटर क्लियर बात है तो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड वन इज इन करेक्ट आंसर और फोर्थ जीरो तो अब इसके बाद इलेवंथ वाले पार्ट में बात करें तो जो मैच द कोलम वाले पार्ट थे जिसमें चार क्वेश्चन आए हुए हैं वैसे सिंगल मैचिंग टाइप ही है एक क्वेश्चन में तो इवन पहला ऑप्शन मैच होता है क्वेश्चन भी मैच हो गया समझदार इंसान तो ट्रिक से कर ही लेंगे अब इसमें चार मैथ्स द कोलम में से दो मैथ्स द कोलम दूसरा और तीसरा जो है वो इलेवंथ के पोर्शन से है और वन और फोर्थ ट्वेल्थ के पोर्शन से है चलिए सर क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटीन से बात कर रहा हूं मैं पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ देर वेलोसिटी और वो भी टाइम टी इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री पर ठीक है जी पहला क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर मूविंग इन इनिजोन सर्किल ऑफ रेडियस मीटर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी दिस शुरू में उनकी एंगुलर पोजिशन कहा जैसे ही आपने इनको फेंका इतने टाइम में एंगुलर वेलोसिटी वन है तो दोनों ही सिक्सटी डिग्री का एंगल चलेंगे तो एक बॉडी के पास तो लीनियर वेलोसिटी इधर होगी ओमेगा आर की यहां से सिक्सटी डिग्री पर

तो फर्स्ट वाला जो है उसके लिए करेक्ट मैचिंग यदि मैं देखता हूं तो वो एस की करेक्ट मैचिंग जा रही है फर्स्ट वाला जो है इसमें करेक्ट मैचिंग में कौन जा रहा है बोले जी एस जा रहा है अच्छा अब उसके बाद तो अपन इस चीज को ऊपर लिख लेते हैं ना। फर्स्ट वाले में करेक्ट मैचिंग है एस सेकंड वाले में बात करते हैं कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं ए और बी एंड दे है

दूसरे के प्रोजेक्शन की बात वो ही सेम रहेगी दोनों में चेंज नहीं होगा जैसे मैं एक वेलोसिटी लिखना चाहूं देखो जी एक वेलोसिटी जो होगी आपने क्या किया A को यहां से होरिजोन से 45 पर फेंका है तो एक वेलोसिटी जो मेरे पास आएगी दैट कम्स एज एक्स वेलोसिटी 5 पाई बाई रूट टू साथ में कॉस 45 फाइव आई कैप प्लस में 5 पाई बाई रूट टू साथ में साइन 45 माइनस जीटी होता है। इसको 0.1 पहले फेंका है, तो टी प्लस 0.1 जी कैप ले लेते हैं। दूसरी वाली को जब फेंका तो उसकी वेलोसिटी, दूसरी वाली को इधर से 45 पर प्रोजेक्ट किया आपने, तो इसकी वेलोसिटी अपने पास आएगी माइनस 5 बाय रूट 2 कॉस 45 आई कैप प्लस 5 बाय रूट 2 45 cap. मैंने फंक्शन ऑफ़ टाइम दोनों को लिख दिया यदि अपन तो तो जाएगा और जे वाला जो है ना ये वेलोसिटी तो कैंसिल जी टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा ये बचेगा केवल तो प्लस दिस विल बी जी की वैल्यू टेन पॉइंट वन तो वन जे कैप अब ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं आ रही है तो इसके बाद आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है पाई बाई थ्री वन से ज्यादा होता है हमारा टाइम जीरो पॉइंट वन है तो कोई दिक्कत नहीं स्पीड निकालेंगे दैट वैल्यू कम्स एज अंडर ट्वेंटी फाइव पाई स्क्वायर प्लस में कितना आएगा वन तो इसके अकॉर्डिंग इसकी मैचिंग की यदि मैं बात करूं पी क्यू आर एस ऑप्शन गायब हो गया वो टी वाला कोई बात नहीं सेकेंड वाला जो है उसके साथ अपना टी वाला जो ऑप्शन है वो मैच करेगा चलिए सर क्लियर आगे बढ़ाते हैं बात को फिर अपन थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें तो थर्ड वाले में बोला गया है कि दो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं ए एंड बी मूविंग इन दी एक्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू एक्स x0 sin t t0 एंड xv दिस

यदि मैं एक्स बी माइनस एक्स ए की बात करता हूं इट इज cos टी माइनस साइन टी तो यदि इसको सजा के लिखें तो रूट टू कोस फाइव बाई फोर प्लस टी लिखा जा सकता है बोलो सही दिस विल बी रूट टू कॉस फाइव बाई फोर प्लस टी ये आ गया डेल्टा एक्स तो वीबीए करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है इट माइनस रूट टू कॉस सॉरी साइन पाई बाई फोर प्लस ट करने पर टी की वैल्यू पाई बाई थ्री है तो वीबीए जो मेरे पास निकल के आ रहा है मैग्नीट्यूड में दैट इज रूट टू साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू कॉस सिक्सटी दैट इज वन बाई टू प्लस में कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू टाइम की वैल्यू रखिए साइन सिक्सटी दैट इज रूट थ्री बाई टू रूट टू तो सही हो गया और ये वाली वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट इज कमिंग एज माइनस ऑफ रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई टू अपने से मैग्नीट्यूड की बात की गई है जो कि ये वाला डाटा जो है पी वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है तो थर्ड वाला जो है इसका करेक्ट मैचिंग जो होगा दैट विल बी पी ठीक है सर अब उसके बाद फोर्थ वाले में मैं बात करूं

तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा दैट विल बी आंसर नंबर थ्री चलिए तो मैथ द कोलम का अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि लिस्ट फर्स्ट डिस्क्राइब थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस इन फोर डिफरेंट सिस्टम्स और लिस्ट सेकंड में मैग्नीट्यूड दिया गया है आइदर एग्जैक्ट है और क्लोज अप्रोक्सीमेशन है पॉसिबल चेंजेस जो कि इंटरनल एनर्जी में हो रहे हैं सिस्टम के ठीक है जी तो सबसे पहले पहला फर्स्ट जो है लिस्ट फर्स्ट में कि टेन की पार माइनस थ्री के जी वॉटर है तो मैंने कहा इस केस में जो भी आपने सिस्टम को एनर्जी दी वो दो चीजों में जाएगी एनर्जी कितनी मिली सबसे पहले तो किलो जूल में बाईस सौ पचास किलोजूल इंटू में टेन की पार माइनस थ्री ये जो एनर्जी है ये किलो जूल में आ रही है किलो जूल में आएगी तो दिस वैल्यू विल बी 2.25 किलो जूल लेकिन इसमें से जो एनर्जी आपने दी है वो कुछ एनर्जी आइसोबारिक प्रोसेस में सिस्टम में वर्क के फॉर्म में चली जाएगी तो ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी दिस विल बी 2.25 माइनस में 10 की पावर 5 इन टू में 10 की पावर -3 में से 10 की पावर -6 को सबट्रैक्ट करोगे तो एप्रोक्सीमेटली यही आ गया तो ये डाटा 2.25 माइनस में 0.1 किलो जूल आ रहा है सो दिसमेटली नियरेस्ट इंटीजर में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 2 किलो जूल तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके लिए अपने पास करेक्ट मैचिंग जो आ रही है दैट इज फर्स्ट के लिए चलिए सर अगले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं यदि मैं सेकंड वाले ऑप्शन के लिए बात करूं कि एक डाइएटोमिक गैस है उसके रेजिड गैस के दो मोलिक्यूल्स हैं वो वॉल्यूम वी से और प्रेशर टेम्परेचर थ्री हंड्रेड से एक आइसोबारिक प्रोसेस में जा रहे हैं जिसका वॉल्यूम थ्री वी है आर की वैल्यू दी गई है तो यदि आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम बाई टेम्परेचर का रेशियो कॉन्स्टेंट रहता है वॉल्यूम वी टेम्परेचर फाइव हंड्रेड वॉल्यूम थ्री वी

मतलब किलो जूल के फॉर्म में फोर जूल आ रही है। तो सेकंड वाला जो है बेटा उसके साथ ऑप्शन आर मैच कर रहा अच्छा इसमें ना जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि एक ऑप्शन तो ऐसा आया था जिसमें बस केवल एक मिलाना था फर्स्ट में पी केवल किसी में भी नहीं है फर्स्ट में क्यू जो है पी जो है वो सीधा सीधा थर्ड में थर्ड से आंसर टिक हो जाएगा खत्म बात चलिए सर तीसरे वाले केस में बात करते हैं तीसरा वाला केस जो है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस है

गामा मोनो एटॉमिक गैस 5/3 8 बोले तो 2 की पावर 3 तो ये 2 की पावर 5 बचा सो फाइनल प्रेशर कम्स एस 64 किलो पास्कल इनिशियल प्रेशर इज 2 किलो पास्कल फाइनल प्रेशर इज 64 किलो पास्कल इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होता है वो तो P final V final तो 64 into में 1/24 by v/8 by 8 है ना और v 1/3 by 3 है मैं किलो पास्कल में सीधा काम कर रहा हूं किलो जूल लेंगे

कि एक तीन मोल है मोनो डाई सॉरी डाई एटोमिक गैस के जिसके मोलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और इसको एक आइसोबैरिक प्रोसेस में नाइन जूल एनर्जी दी गई है तो देखो यदि मैं सीवी की बात करूं तो इस वाले केस में सीवी आ जाएगा सेवन आर बाई टू तीन ट्रांसलेशनल दो रोटेशनल और दो वाइब्रेशनल तो यहां से यदि मैं सीपी की बात करूंगा तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी नाइन आर बाई टू अब डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होती है ये वाली वैल्यू एनसीपी डेल्टा टी, एन टी के आती है सो दिस वैल्यू इज तो यहां से डेल्टा यू की बात की जाएगी दाई नाइन इन टू में नाइन किलो जूल तो ये तो गया तो यहां से डेल्टा यू जो आ रहा है दैट इज सेवन किलो जूल और उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो फोर्थ वाला जो है उसके साथ क्यू की मैचिंग करेक्ट है so for this question option third is correct okay dear so 11th ke liye paper first mein itna hi section 1 ke question number 2 par aate hain apne dekhiye the minimum kinetic energy needed by an alpha particle to cause the nuclear reaction uh, nuclear reaction apan ko given hai theek hai nitrogen helium uh, का जो nucleus alpha particle पार्टिकल इस पर अटैक करता है एंड फाइनली रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाती है इन लेबोरेटरी फ्रेम इज एन

फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन में हमें कैलकुलेट करना है कि मास डिफेक्ट के अकॉर्डिंग जो एनर्जी आ रही है क्यू वैल्यू जो है वो कितनी होगी ठीक है क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली क्या अप्रोच लगाते हैं क्यू इज इक्वल टू देखो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास सब्टेक्ट करना होता है अपन को जिससे अपने पास मास डिफेक्ट जो आता है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो मास डिफेक्ट की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें तो रिएक्टेंट का मास यहाँ पर देखो कितना आएगा नाइट्रोजन एल्फा पार्टिकल के मासेस अपन को गिवन है तो 16.006 पॉइंट प्लस फोर माइनस फिर जो प्रोडक्ट हैं उनके मासेस अपन को इसमें सब्टेक्ट करने होंगे 1.008 पॉइंट माइनस नाइनटीन ओके इन में सी स्क्वायर ये क्यू वैल्यू आ जाएगी अपने पास है ना जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी सो यर क्यू इज इक्वल टू ये जो भी वैल्यू आ रही है अपने पास इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस जीरो पॉइंट जीरो और इसको अगर मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कैलकुलेट करना है तो नाइन थर्टी से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा काफी सिंपल अप्रोच है ये और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस वन पॉइंट एट सिक्स एम ईवी तो ये जो क्यू वैल्यू है ये नेगेटिव आ रही है इसका मतलब जो रिएक्शन है ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें जो रिएक्टेंट है ना इसको इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है तब जाकर के रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाती है इसमें दे रखा है कि जो अल्फा पार्टिकल है इस न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए इसके पास कुछ काइनेटिक 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 एनर्जी 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 या मिनिमम हमें देनी पड़ेगी वो कीजिए ठीक है थीके? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा याद रखिए रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ठीक है के मिनिमम इस एल्फा पार्टिकल की वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वन प्लस स्मॉल एम एल्फा एल्फा पार्टिकल को हमने अटैक करवाया अपोन और वो भी नाइट्रोजन पर मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू में मोड ऑफ ओके मोड ऑफ क्यू ठीक है तो ये फॉर्मुला बहुत आसानी से डिराइव भी किया जा सकता है काफी सिंपल है लेकिन अल्टीमेटली uh, इसको याद रखना बेटर रहता है तो कई मिनिमम जो है हम इस वे से कैलकुलेट कर सकते हैं बराबर वन प्लस मास ऑफ एल्फा पार्टिकल हमें गिवन है फोर पॉइंट जीरो जीरो थ्री अपॉन सिक्सटीन पॉइंट जीरो जीरो जो भी है सिक्स और इनटू में वन पॉइंट एट सिक्स मोडल्स ले लेंगे और इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आती है हमारे पास टू पॉइंट थ्री टू फाइव वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड इसकी जो वैल्यू है वो टू पॉइंट अगर अपन डेसिमल के बाद दो प्लेस तक अगर इसकी वैल्यू रखें तो टू पॉइंट थ्री थ्री एम ई वी जो है वो इसका आंसर अपन रख सकते हैं ओके okay, तो जे जो है वो 2.32 या 2.33 के बीच में इसकी वैल्यू रखेगा ओके okay, तो ये था क्वेश्चन नंबर टू अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं <laughs> क्वेश्चन नंबर थ्री सेक्शन वन का ही है ये भी इन द फॉलोइंग सर्किट सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव हमें कैपेसिटेंस की है सभी कैपेसिटर्स का चार स्टोर्ड इन दैपेसिटर्स थ्री इन माइक्रोकुल C3 को अगर हम ढंग से ऑब्जर्व करें तो C3 के दोनों टर्मिनल्स को आप देखिए वो सिंपल सा क्वेश्चन है ये ये दोनों टर्मिनल्स जो है वो 2 वोल्ट की बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो C3 पे चार्ज कितना आएगा सो so, Q इक्वल्स टू C3 थ्री इंटू वी ओके C3 थ्री इंटू वी एंड सी थ्री इज कूलम माइक्रो फैरड एंड V इज 2 आंसर इज 8 माइक्रो कूलम तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा 8 माइक्रो कूलम काफी सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत ही बेसिक नेक्स्ट चल पे चलते हैं हम ओके क्वेश्चन नंबर विदिशिपल रोड ऑफ थीवेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑफ टेन सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ फोर्टी बाय थ्री सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द फिगर द हाइट ऑफ द इमेज इज थर्टी रूट थ्री बाय थर्टी सेंटीमीटर एंड द एंगल मेड बाई इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्स एफ रेडियन द वैल्यू ऑफ इज इज पाई एन एन रेडियन वेयर एन की वैल्यू हमसे पूछी है देखो ये रोड थोड़ी सी इंक्लाइन रखी हुई है और ये जो एंगल गिवन है अपन को वो टू पाई बाई थ्री है यहाँ पर राइट right? वैसे तो मार्जिनल रेपर बेस्ड ये क्वेश्चन बन गया हिसाब से देखा जाए तो ठीक है तो प्रॉपरली सही नहीं है लेकिन फिर भी प्रेक्सिल का कॉन्सेप्ट लगा के अगर अपन डील करें इसको तो किस तरीके से क्या कुछ आंसर आएगा देखिए सबसे पहले इस रोड का ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट फोर्टी बाई थ्री सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो इसके क्रॉस पॉइंट जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी तो ये वाला पॉइंट जो है वो इस डॉट की इमेज है ओके okay? और ये डिस्टेंस फोर्टी बाई थ्री है तो लेंस की फोकल लेंथ हमें टेन सेंटीमीटर गिवन है तो लेंस के लिए फॉर्मुला लगा देंगे हम वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू एंडर यू इज माइनस फोर्टी बाई थ्री ओके है डिस्टेंस इज इक्वल टू वन ओवर एफ एफ इज टेन कॉन्वेक्स लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी सो वन ओवर वी इज इक्वल टू वन ओवर टेन माइनस थ्री बाई फोर्टी इसको अगर हम सॉल्व करें तो v की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी प्लस का फोर्टी सेंटीमीटर तो जो इमेज है वो चालीस सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहां पर फॉर्म हो जाएगी ठीक है ये चालीस सेंटीमीटर डिस्टेंस है अब हमें इस रोड की लेंथ जो गिवन है वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गिवन है है दिस इज तो ये वाला एंगल जो है, वो सिक्सटी डिग्री आ जाएगा तो टू का इस तरफ कंपोनेंट लें तो ये हाइट जो है वो टू कॉस साइंसटी विच इज रूट थ्री और ये आ जाएगा टू कॉस सिक्सटी मतलब वन तो ये डिस्टेंस वन के बराबर ये डिस्टेंस के बराबर है तो इसके अकॉर्डिंग जो हाइट आ रही है इमेज की वो हाइट देखिए आपको थर्टी रूट रूट थ्री बाय थर्टीन आ रही है तो मैग्निफिकेशन के लिए अगर अपन अप्रोच लगाएं फॉर्मुला लगाएं तो आसानी से इसको अपन डील कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा यहां पर जो हाइट है वो कितनी है ऑब्जेक्ट की रूट थ्री इमेज की हाइट कितनी है थर्टी रूट थ्री बाई थर्टी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूलाए तो थर्टी रूटीन इमेज इन्वर्टेड माइनस अपॉन में रूट थ्री जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट है बराबर ये आ जाएगा v बाई यू वी है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग देखा जाए सॉरी v की distance, इमेज की डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग इमेज अगर देखा जाए तो इमेज यहाँ पे बन रही है देखिए ये इमेज है ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये इमेज यहाँ पे बनी है तो इस इमेज की जो डिस्टेंस है वो एक्स है तो एक्स रख दीजिए अपॉन यू यू जो है वो फोर्टी बाई थ्री प्लस वन हो जाएगा बट नेगेटिव में माइनस फोर्टी बाई थ्री प्लस वन ओके यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया और देन माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया थर्टी बाई थर्टीन और यहाँ जाएगा एक्स ये थ्री तो थ्री ऊपर चला जाएगा थ्री एक्स अपोन में फोर्टी थ्री थ्री से कट करें तो ये टेन आ गया सो वी हैव इज इक्वल टू ये आ जाएगा फोर थर्टी अपोन में थर्टीन सेंटीमीटर ये एक्स आ गया सो so, एक्स अपने पास है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस आ जाएगी फोर्टी माइनस फोर्टी फोर थर्टी अपोन में थर्टी तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा पांच सो बीस माइनस चार सो तीस अपोन में थर्टीन ये आ जाएगा पास 90 13, okay? so, 90 alpha, अपने पास नाइनटी बाय थर्टीन ओके सो दिस डिस्टेंस इज नाइनटी बाय थर्टीन एंड दिस डिस्टेंस इज थर्टी रूट थ्री बाय थर्टीन टेन अल्फा अगर अपन देखें यहां पर तो so, आ जाएगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस उटी एंड रूट थ्री और जब एंगल थर्टी डिग्री हो मतलब so, तो कितनी आ जाएगी यहां पर सिक्स ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें देखो क्वेश्चन नंबर सेवन आपको एक सर्किट गिवन है ठीक इस है इसमें इंडक्टर गिवन है कैपेसिटर गिवन है ठीक है और इस सर्किट को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी बराबर बी नॉट प्लस बीटा इंटू टी और इस सर्किट का जो एरिया है कंप्लीट एरिया वो ए है ठीक है बीटा जो है वो अपन को दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो फोर टेस्ला पर ये वैल्यू बीटा बीटा की गीवन है बीटा गीवन है तो एरिया में गीवन है इस इसलो का और देन फिर टाइम के साथ ये बी चेंज होगा बी चेंज होगा तो इसमें ई जनरेट होगा और उस ई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ई e बराबर आ जाएगा डी फाविडिटी डी फाइविडिटी की बात करें तो एरिया वन है ठीक है एरिया और बी की टर्म्स में लिखे तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर E अपन कर सकते हैं डायरेक्ट डीबी बाई डी करें तो यहाँ बीटा आ जाएगा तो EMF की जो वैल्यू है वो ए बीटा है और एरिया जो है वो हमें गिवन है वन मीटर स्क्वायर है और जो बीटा है वो जीरो पॉइंट जीरो फोर है ओके तो ये ई की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब इस सर्किट को अपन सिंपली ऐसे बना सकते हैं देखो कि ऐसे कोई सेल लगा हुआ है एक क्योंकि तो वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गई ना

ए और बीटा जो है वो कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करें तो ये जीरो आ जाएगा और वैल्यू आएगी एल डी टू आई बाई डी टी सेटल करें अपन तो डी टू आई अपॉन डी टी स्क्स टू जीरो मतलब इस करंट की इक्वेशन फाइनली क्या होनी चाहिए एक तो इसकी पीक वैल्यू होगी मतलब मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो आप ये आई जो है वो स्मॉल आई मान लीजिए और साथ में आ जाएगा साइन ओमेगा ओमेगा कितना आ जाएगा वन अपॉन रूट एल सी यहाँ पर राइट ओमेगा और इंटू टी प्लस में फाइव ऐड कर सकते हैं लेकिन आप ये सोचिए टी बराबर जीरो पर जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो टी बराबर जीरो पर करंट जीरो होगी तो टी बराबर जीरो रखें तो करंट शुड भी जीरो तो फाइव जो अगर, अगर अपन लेट भी कर लेंगे यहाँ पर साइन फाइव की वैल्यू जीरो बराबर क्या जाएगा जीरो आ जाएगा तो अल्टीमेटली इक्वेशन यही बनेंगी आई इक्वेस्ट टू आई नॉट साइन ओमगा टी ओके okay? तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आ चुकी है लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आई नोट की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड कितना है मैक्सिमम करंट के लिए ठीक है तो हमें हमें यहां पर आई नोट की वैल्यू निकालने के लिए एक काम करता हूं मैं इस इक्वेशन में आई को रख दू इसको डिफ्रेंश करके और चार्ज की वैल्यू निकालता हूं मैं चार्ज की वैल्यू कितनी आती है और हम ये जानते हैं कि जब आप सर्किट को ऑन करोगे एक तरीके से तो इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं अभी करंट फ्लो ना स्टार्ट हुआ है तो टी बराबर जीरो पे क्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए तो ये वाली वैल्यू मैं यहां रख देता हूँ देखो इज इक्वल टू एल करूं डिफ्रेंशियल करो तो कितना आएगा इसका देखो आई नोट साइनगा का ओमेगा बाहर आ जाएगा कोस ओमेगा टी सही है और ये आ जाएगा प्लस में क्यू बाई सी टी जीरो क्यों जीरो क्यू भी जीरो आ जाएगा ये भी जीरो और ये पूरा वन हो जाएगा इसका मतलब एल आई नोट ओमेगा बराबर ई देन आई नोट कितना आया अपने पास ई अपोन में एल ओमेगा और ओमेगा कितना है ऊपर चला जाएगा

बैटरी तो सेम ही है ना तो वोल्टेज तो वी लगा हुआ पर देखो, इसके भी वोल्टेज वी है इसका मतलब वोल्टेज जो वी है वो चेंज नहीं हो रहा तो थर्ड तो वैसे ही क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया ठीक है नेक्स्ट देख रहे हैं कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस की बात करें कैपेसिटेंस भी क्या इफेक्ट पड़ेगा देखिए इस वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वो कितना आएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ओके डायरेक्टरी कांस्टेंट है और इस वाले की अगर अपन बात करें तो ये कितना आएगा इसको अगर हम देखें तो इसको हालांकि दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दें ठीक है इसमें से इसको कमाइन किया जा सकता है वैसे गैप देखा जाए तो ये डी है और ये डी बाई टू डी बाई टू तो इसका मतलब इसके बीच में गैप भी डी है और इसके बीच में भी गैप क्या डी है ये एयर कैपेसिटर आ गया और इसके अंदर मीडियम आ गया डायरेक्टर कॉन्स्टेंट कितना की बना में? के। ठीक है तो ये को अगर मैं सी कंसडर कर लू तो इसका जो कैपेसिटी के इंटू सी के बराबर है इसमें देखा जाए तो ये किसके बराबर है K c के इंटू सी का इक्वल होगा और ये वाला एयर कैपेसिटी सी के बराबर होगा तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इस वाले कॉम्बिनेशन में वो आ जाएगा के सी वन सी टोपन में सी वन प्लस फॉर्मू लगाएंगे तो के सी इंटू में सी अपॉन में के सी प्लस सी इसका मतलब के प्लस वन सी कट जाएगा कैपेसिटेंस आ चुका है के सी अपन में के प्लस वन और इस वाले में कितना है के इन सी

सी से सी कैंसल आउट हो गया तो इस वाले कैपेसिटी के क्रॉस वोल्टेज कितना आया अपने पास V अपॉन में के प्लस वन और इसमें अगर डी से डिवाइड कर दूं तो इस वाले कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो कि डायलेक्ट्रिक मीडियम में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस वाले केस में ई टू इज इक्वल टू वी में डी के प्लस वन

पहले वाले केस में जो एनर्जी है कैपेसिटी के अंदर कितनी होगी वन बाई टू सी वी स्क्तर ठीक है और सी कितना है? के सी के सी इंटू वी केस में जो एनर्जी तो है तो दूसरे वाले केस में जो एनर्जी है कैपेसिटर की वो आ जाएगी सेकंड वाले केस के अंदर एनर्जी आ गई हमारे पास ठीक है देखो जब हमने इसको सेपरेट किया तो उस केस में क्या होगा कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है एनर्जी भी चेंज होगी और कुछ चार्ज जो है वो बैटरी के अंदर भी जाएगा राइट तो वकडन हमने कितना किया इस प्रोसेस के अंदर अगर की बात करें ध्यान दीजिएगा वकडन बाय एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो कितना होना चाहिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कैपेसिटी की जो एनर्जी में जो चेंज आया वो प्लस जो भी डेल्टा क्यू चार्ज जो ट्रांसफर हुआ डेल्टा क्यू इन में बैटरी का वोल्टेज कितना है v ठीक है तो ये एनर्जी बैटरी को मिली है तो w इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल करें अगर हम यहाँ पर तो देखिएगा 1/2 kc v2 माइनस kc v2 अपॉन में 2 k plus 1 ओके okay? और प्लस डेल्टा q अब डेल्टा q कितना आएगा पहले जो चार्ज था कैपेसिटर पे कितना था चार्ज कैपेसिटेंस kc था वोल्टेज v था तो चार्ज कितना होगा kc v और बाद में चार्ज कितना आएगा

के सी वी स्क्वेयर केसी वी स्क्वेयर बाई टू तो यह आ जाएगा थ्री बाई टू के सी वी स्क्वे है ना के सी बी स्क्र ओके और माइनस यहां देखें तो ये भी सेम आ रहा है देखो माइनस वन है ये two, ये माइनस का वन बाई टू या माइनस का वन है तो यह आ जाएगा थ्री बाई टू के सी वी स्क्वेयर अपोन में के प्लस वन अगर हम इसको सॉल्व करें तो के सी वी स्क्वेर कॉमन आ गया ऊपर आ जाएगा के प्लस वन माइनस वन मतलब के बचेगा ऊपर और के स्क्र अपॉन में के प्लस वन आ रहा है मतलब के जो है वो यहां से रिमूव नहीं कर पा रहे अपन ठीक है पन, लेकिन ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर द वर्क इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफलेक्ट मीडियम ये वाला क्या हो गया इसमें इनकरेक्ट हो गया राइट तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्वेश्चन नंबर टेन द फिगर शोज ए सर्किट हैविंग एट रेजिस्टेंस देखो एक सर्किट अपन को दे रखा है और इस सर्किट के अंदर आठ रेजिस्टर्स गिवन है ठीक है सबकी वैल्यू क्या वन ओम है और दो आइडियल बैटरीज यहां पर कनेक्टेड है और हमसे पूछा है कि इन रेजिस्टेंस के अंदर करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है ठीक है दिस इज सेवन पॉइंट टू ओके तो हमसे पूछा है ये करंट की जो वैल्यू है वो कितनी कितनी होगी ठीक है तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है सिमेट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये सिमेट्रिकल सर्किट है ये तो सबसे पहले इस सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये सर्किट है और देखो एक्चुअल में क्या है सारे के सारी वैल्यू क्या है वन ओम है ये वन ओम है ये भी वन ओम वन ओम वन ओम वन ओम वन ओम वन ओम एंड वन ओम ठीक है ये आ, E2 की जो वैल्यू है वो सिक्स वोल्ट है और ई कितना है ट्वेल्व वोल्ट है तो इस सर्किट में इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि इन दोनों नोड का पोटेंशियल क्या होगा इक्वल होगा अगर इस नोड का पोटेंशियल अगर मैं एक्स कंसिडर करूं तो इसका भी कितना आएगा एक्स

इधर में देखें तो ये भी वन बाई टू ओके दोनों सेम रहेंगे ओम के इक्वल इक्वल रहेंगे तो इस रेजिस्टेंस को मैं पहले बना देता हूं यहां बैटरी लिख देता हूं ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये वन ओम है और जो ई टू है अपने पास उसकी वैल्यू कितनी है सिक्स वोल्ट राइट और यहां है ई वन इसकी वैल्यू है ट्वेल्व वोल्ट राइट और यहां पर रेजिस्टेंस अपने पास वन ओम तो फ्लिप करने के बाद सर्किट कुछ ऐसा बनेगा राइट right? अब देखिए इस नोड का पोटेंशियल हमने तो अगर जीरो तो की बैटरी के अकॉर्डिंग कितना सिक्स वोल्ट और ये जीरो तो इस, इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना माइनस का ट्वेल्व वोल्ट राइट अब मैं नोड एक्स पर अगर नोड मेथड लगाऊं तो आउटगोइंग करंट का सम मैं कितना जीरो क्योंकि करंट तीनों ब्रांचेस के अंदर बाहर की तरफ जाएगी तो तीनों करंट का सम जीरो आना चाहिए तो करंट कितना आएगा एक्स माइनस सिक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना है वन एंड वन बाई टू ये थ्री बाई टू आ गया प्लस एक्स माइनस जीरो अपॉन रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा वन बाई टू प्लस

R3 में करंट अगर अपन से पूछे तो आरथ्री में करंट कितना होगा देखो आर्थ्री में करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं देखिए इसी सर्किट में आइए यही तो रेजिस्टेंस 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 है है इस वाले रेजिस्टेंस में से पूछा है। तो इस वाले वाले में में हमसे करंट करंट पूछा तो अगर अपन कैलकुलेट करें तो देखो एक्स माइनस सिक्स ओके एक्स माइनस सिक्स अपोन में वन प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का सिक्स बाई फाइव माइनस सिक्स अपोन में थ्री बाई टू ये वैल्यू कितनी आएगी ये आ जाएगा माइनस का थर्टी सिक्स

r3 यहां पर कितना है सॉरी ये है r 5 है सॉरी ये r5 है r5 से करंट पूछा है तो r5 ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसमें करंट हमसे पूछा है तो देखिए जो भी 4.8 एंपियर करंट जाएगा ये करंट बेटा दोनों पार्ट के अंदर इक्वली स्प्लिट होगा है ना सिमेट्री है ना इक्वली स्प्लिट होगा तो 4.8 और 4.8 uh, जो है ना वो दो पार्ट में स्प्लिट होने के बाद कितना कितना आ जाएगा 2.4 एंपियर 2.4 एंपियर तो 2.4 एंपियरस इसने दे रखा हमें तो फोर्थ का 2.4 एंपियर है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा तो इसके चार ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए थ्री प्लेन मिरर्स Ray-optics equation from an equilateral triangle with the each side of length l. There is a small hole at a distance at a distance small l greater than 0 from one of the corners as shown the figure. A ray of light is passed through the hole at an angle theta and can only come out through the same hole. The cross section of the mirror configuration and the ray of light सेम प्लेन ठीक है तो रेव रेव लाइट जो है ना वो इसी प्लेन के अंदर लाई करती है तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है विल कम आउट थीटा 30 एल जीरो से के बीच में कोई भी लेंथ ले अगर थीटा बराबर थर्टी डिग्री है तो लाइट रेट डेफिनेटली बाहर आ जाएगी तो यह देखिए पूरा जो है, ये 60, 60, ये भी 60 है अगर यहां से लाइट रे एंटर करती है और थर्टी डिग्री एंगल पर अगर एंटर करें थर्टी डिग्री एंगलटी है ना थर्टी इसका हाफ होगा थर्टी पे अगर एंटर करेगा ये देखिए ये थर्टी है अगर ये वाला थर्टी है तो तो ये 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 भी होगा, और वाला है। 60, वाला है, है? एंगल कितना इसका मतलब यहां पर बाहर आएगी तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया सेकेंड देखिए फोर स्मॉल एल इज कैपिटल एल लाइट विल कम आउट आफ्टर टू रिफ्लेक्शन अगर हम आ, सेंटर से अगर आ, होल से अगर लाइट रे को पास करें तो इसमें दो रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे बाहर आ सकती है ऐसी पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली है अगर हम एल बाई टू से लाइट रे को एंटर करवाएं और मान लीजिए 60 डिग्री एंगल पर लाइट रे को एंटर करवाते हैं ये 60 डिग्री एंगल अगर हो ये 60 लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं जाएगी देखो ये सिक्सटी तो ये वाला सिक्सटी है तो ये वाला भी सिक्सटी आएगा ये वाला सिक्सटी तो ये वाला भी सिक्स आएगा फिर यहाँ सिक्सटी है सिक्सटी तो ये भी सिक्सटी आएगा फिर बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे उसी सेम एंगल से सिक्सटी से बाहर आएगी एंड देन इसी पॉइंट से पास हो जाएगी क्योंकि इक्विलीटर ट्रायंगल बन जाएगा तो लाइट रे इसी पॉइंट से डेफिनेटली बाहर आएगी और दो रिफ्लेक्शन होंगे एक तो यहाँ पर और एक यहां पर इसका मतलब दूसरा भी इसका करेक्ट हो जाएगा थर्ड कह रहा था रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा सिक्सटी डिग्री एंड स्मॉल एल इज कैपिटल एल बाई थ्री स्मॉल एल की वैल्यू अगर कैपिटल एल बाई थ्री कर दें और 60 डिग्री अगर एंगल लें तो लाइट रे कभी बाहर नहीं आएगी कैसा पॉसिबिलिटी है एल बाई थ्री मतलब एल बाई टू से भी कम है लाइट रे देखो यहां से अगर एंटर करती है सिक्सटी डिग्री एंगल पर तो यूं जाएगी इस ज्योमेट्री को अगर गौर से देखें तो बहुत आसानी से समझ में आ रही है ऐसे जाएगी तो ये सिक्सटी 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 तो इससे लाइट रे यूं रिफ्लेक्ट होगी ये भी सिक्सटी होगा फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी ये सिक्सटी तो इधर से यूं जाएगी ठीक है तो ये सिक्सटी ये वाला भी सिक्सटी एंड देन उसके बाद लाइट रे इधर जाएगी ये भी सिक्सटी ये भी सिक्सटी फिर लाइट रे यूं जाएगी ठीक है फिर ये भी सिक्सटी आएगा ये भी सिक्सटी लाइट लाइटरी हो जाएगी तो यहां पर सिमेट्री बन रही है बहुत ही प्यारी सी और लाइटर डेफिनेटली इसी पॉइंट से बाहर आ रही है देखो है ना तो नेवर कम आउट फॉर थीटा सिक्सटी डिग्री ये तो गलत है लाइट डेफिनेटली बाहर आएगी इसका मतलब ये गलत हो गया द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा सिक्सटी डिग्री फॉर एल जीरो टू एल बाई टू आफ्टर सिक्स रिफ्लेक्शन जैसे एल बाई टू भी अगर अपन लें ये एल बाई थ्री या एल बाई टू भी अगर अगर कंसिडर करें तो कैसी पॉसिबिलिटी है चेक करते हैं आ जाओ सिक्स रिफ्लेक्शन होंगे क्या देखो पहली लाइटर यहां पर एंटर की फर्स्ट रिफ्लेक्शन फिर सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पांच रिफ्लेक्शन के बाद में बाहर आ रही है छह तो नहीं है अगर यहां फाइव होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता इसका मतलब ये वाला भी क्या हो 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 गया गया इनकरेक्ट तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड आइए ये वाला क्वेश्चन से है यहां पर छह चार्ज दे रखे हैं आपको ठीक है और ये रेगुलर हेक्सागन है चार्ज को इस तरीके से रखा हुआ है कि जो हेक्सागन का जो भी सेंटर है ठीक है उस सेंटर से अगर मैं चार्ज को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रो करूं तो वो जो लाइन है वो रेगुलर हेक्सागन की साइड पर 90 डिग्री एंगल बनाती है जैसे यहां पर ये फोटो बना रखी है ठीक है तो और ये डिस्टेंस सारी इक, इक, इक्वल है ये वाला क्यू भी जो है इससे बराबर डिस्टेंस पे होगा ये भी इधर बराबर डिस्टेंस पे होगा ये भी बराबर डिस्टेंस पे होगा और ये जो एक्स है ये भी बराबर डिस्टेंस पर है राइट तो सारे इक्वी डिस्टेंस पर है और ये हमें मालूम होना चाहिए अगर ये साइड लेंथ अगर ए है तो ये जो लेंथ होती है ये वाली लेंथ यहां से यहां तक वाली ये length, 3A वाली ये लेंथ रूट थ्री ए की इक्वल होती है तो अगर ये रूट थ्री है तो ये रूट थ्री बाई टू होगा और ये भी रूट थ्री बाई टू हाफ हाफ है बराबर बराबर है तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई यहां से रूट थ्री बाई टू और ये वाली भी रूट थ्री बाई टू ओके तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है यहां से यहां तक की वो कितनी आ जाएगी रूट थ्री आ गई ठीक है चलो अब हम आगे देखते हैं क्या पूछा इसमें से कौन सा करेक्ट है वन एक्स इक्वस टू क्यू अगर एक्स की वैल्यू क्यू रख दी जाए द मेग्नेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट इज जीरो क्या पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा डेफिनेटली जीरो होगा सिमेट्री बन रही ये वाला क्यू के कारण और इस वाले कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इन दोनों के भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इन दोनों के भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा पर जीरो जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है ठीक है चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं वेन एक्स इक्व टू माइनस क्यू अगर यहां पर माइनस क्यू रखा जाए तो जो फील्ड है ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है ओके तो इन दोनों का इन दोनों का फील्ड तो जीरो हो गया अब इन दोनों का फील्ड यहां पर आएगा इस क्यू का फील्ड का एड हो जाएगा इसका भी सेम आएगा टू टाइम्स कर देते हैं K की वन फोर है। तो फोर टू से टू कट जाएगा तो क्यू अपोन फोर में टू बचेगा ट्वेंटी थ्री सिक्स पाई

देखिए देखिए अगर यहां पर पर का चार्ज रख जाए तो टोटल चार्ज की तो मतलब 2 Q, 2 Q चार्ज तो कितना आएगा ये हो ही गया मतलब है आना चाहिए है ना लेकिन नेगेटिव है दे है, इसका मतलब ये गलत हो गया तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे थर्टींथ के ठीक है बाइंडिंग एनर्जी देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कैन बी एफेक्टेड बाई दाइज कुलम रिपल्शन दैट पोलियो आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइड लेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफोन बीबीपी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बी यहां पर है ई बी एन ओके इन द न्यूक्लियस दिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटोन गिवन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है आपको और हमें यहाँ पर कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स को जो भी है कंसिडर करना है देखो न्यूट्रॉन को अगर अपन रिमूव करते हैं न्यूक्लियस से तो वहां पर न्यूट्रॉन पे तो कोई कोलम्बिक रिपल्शन फोर्स लगने वाला है नहीं ठीक है तो न्यूट्रॉन को अगर आपको रिमूव करना है न्यूक्लियर न्यूक्लियस से तो उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू प्रोटोन क्योंकि प्रोटोन में वैसे रिपल्शन फोर्स लग रहा है तो प्रोटोन में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इसका मतलब प्रोटोन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूट्रॉन के कंपर्टिवली क्या होगी कम होगी इसका मतलब मैं ये तो लिख ही सकता हूं ई बी है ना एन राइट इज ग्रेटर देन ई बी पी सही है तो ये ज्यादा होगा तो इसमें जैसे थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि ई बी पी माइनस ई बी एन इज पॉजिटिव कैसा है नहीं जी क्यों क्योंकि ईबीपी जो है वो ईबीएन से क्या है कम है कम है तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया अब इसमें इफेक्ट किसका पड़ रहा है कोलंबिक रिपल्शन का इसका मतलब जो भी इसका जो डिफरेंस आएगा ना वो डिफरेंस जो है वो कोलंबिक रिपल्शन एनर्जी जो है उस पर डिपेंड करेगा तो डिफरेंस को अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं देखो ई बी एन माइनस ई बी पी ठीक है ई बी एन सॉरी ई बी पी सॉरी ई बी पी प्रपोर्शनल टू अब रिपल्शन क्या होगा? देखो अगर न्यूक्लियस 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 के के अंदर अंदर जैसे ये है, इस काफी सारे हैं और इंट्रैक्शन तो के, के कारण पोटेंशियल एनर्जी उनकी स्टोर होगी तो अगर मैं एवरेज डिस्टेंस दो न्यूक्लियंस के बीच में, दो के बीच में अगर आर अगर कंसीडर करूं ठीक है

एन में आप पढ़ते हो तो Z इंटू जेड माइनस वन इंटू टू ये कॉम्बिनेशन बने इतने पेयर बनेंगे एक एक तरीके से आप कह सकते हो। तो एक के लिए जो एनर्जी को अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो वो लिख सकता U स्क्वायर uh, e और नंबर ऑफ पेयर जो है वो आपके पास है जेड इंटू जेड माइनस वन बाई टू और एवरेज डिस्टेंस जो है दो के बीच में, मैंने आर एवरेज कंसीडर की

ठीक है ये यहां पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर ये सही है दूसरा जो है वैल्यू नेगेटिव आएगी इसमें वैसे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि माइनस साइन आ, आ जाएगा क्योंकि EBN इज ग्रेटर देन ईबीपी ठीक है

एबीपी राइज होगा तभी तो इसमें से घटाएंगे अपन डिक्रीज ये जो वैल्यू होगी डिक्रीज होगी सो एबीपी ईबीपी इनक्रीजेज इन दूक्सोज ए बीटा प्लस डी के राइट तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ये है सेक्शन थ्री इसमें मैच द कॉलम का ये ऐसा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को चलो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए एक स्मॉलर सर्कुलर लूप है जो कि सोलोनोइड के सेंटर पे रखा हुआ है सोलोनोइड में करंट फ्लो कर रही है आई और सोलोनोइड की जो एक्सेस है उसके अलग जो यूनिट वेक्टर वो है कैप दे रखा है इस डायग्राम में आप देख सकते हो तो इस सोलोनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इससे पास होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यूनोट नंबर ऑफ टेंथ कितना एम इन टू आई म्यूनोट एम आई

कैप यहां पर कितना है वो रख देते हैं हम वन बाई रूट टू और ये, -cap, right? तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा सॉरी जे कैप आई कैप नहीं जे कैप है ये ये तो तो अपने पास आ गया अब ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है इसका अगर हम देखें तो इस लूप का जो एरिया है वो एरिया अपवर्ड है ठीक है तो एरिया को मैं वेक्टर में लिखूं तो ए एरिया है, तो ए के कैप, बी डॉट ए बी डॉट ए अगर हम करें तो वैल्यू कितनी आई म्यूनोट एम आई बाई रूट टू ए बी आ जाएगा मल्टीप्लाई में और के कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो खाली को सोमेगा टी वाली टर्म बचेगी अपने पास कि हमारे पास फ्लक्स आ गया सही है फ्लक्स आने के बाद फ्लक्स को डिफरेंशिएट करें तो ई आ जाएगा ई बराबर माइनस का डी फाइव डीटी माइनस म्यू नोट एम आई अपॉन में रूट टू ए ठीक है और एरिया ये जो फ्लक्स है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और कोस का माइनस साइन होता है तो प्लस आ जाएगा साइन ओमेगा टी ठीक है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो ये EMF आ चुका है और EMF में लूप का जो रेजिस्टेंस उसको डिवाइड कर दें तो करंट आ जाएगी हमारे पास तो आर को डिवाइड कर दीजिए आपके पास करंट आ गई ठीक है ये आ जाएगा अपने पास तो आई हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं ठीक है ठीके? यहाँ पर ये वाली जो करंट थी ये तो सोलर्ड वाली करंट है ये लूप वाली करंट आई देश तो लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आएगा एम वैक्टर इज इक्वल टू आई जो करंट फ्लो कर रहा है जो हमने अभी फाइंड किए और इसका एरिया वैक्टर ऊपर की तरफ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई डैश जो भी करंट है उस करंट को रखते हैं यहां पर यूनोट एम आई बाई रूट टू ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा राइट ये तो डायरेक्टली हमने किसकी वैल्यू रख दी करंट की करंट को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से ये स्क्वेयर आ जाएगा सही और डायरेक्शन क्या आ जाएगी एम वैक्टर की केक कैप ऊपर की तरफ सही है एम वैक्टर हमारे पास आ चुके हैं और बी वैक्टर आपके पास है यहाँ पर देखिए तो B वेक्टर का M वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास टॉर्क आएगा तो टॉर्क की वैल्यू यहां पर देखिए कितनी आएगी M क्रॉस B ठीक है जी M क्रॉस B करना है तो M आ, अपने पास है वेक्टर और B भी है तो सबसे पहले जो भी कांस्टेंट्स है उनको साइड में कर लेते हैं हम तो देखिए म्यूनोट एम आई म्यूनोट एम आई इसमें भी आ रहा तो म्यूनोट स्क्वेयर एम आई सही है और ए भी आ रहा है यहां पर ओमेगा आया ठीक है और रूट टू से रूट टू मतलब है, उसके बाद एम क्रॉस बी करना है हमें तो के का इसके साथ साइन ओमेगा इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें तो के का के, के साथ तो जीरो आ जाएगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी और k क्रॉस J, J K आई होता है और K J क्या जाएगा ये वैल्यू आ गई ठीक है से वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया अब T बराबर पाई बाय सिक्स ओमेगा की बात करें तो ओमेगा T बराबर पाई 6 सिक्स आगे पाई बाय सिक्स बोले तो वन 2 टू साइन वन टू की वैल्यू आ जाएगी वन बाय फोर तो इसकी वैल्यू जो है रखने पर 1/4 के बराबर आ रही राइट ये 1/4 आ जाएगा इसकी जगह वन रख देंगे और बाकी देखते हैं इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है अल्फा अल्फा एल्फाइनोट है, स्क्म स्क्र जो भी ये वैल्यू दे रखी है ये अल्फा के बराबर है तो ये जो क्वांटिटी आई है ना हमारे पास ये कंप्लीट क्वांटिटी अल्फा के बराबर है आप देख सकते हो तो ये अल्फा और ये वैल्यू वन बाय फोर और आई कैप सो अल्फा बाई फोर आई कैप विद माइनस साइन तो इस इसपे जो टॉर्क लग रहा है वो हमारे पास माइनस का एल्फा बाई फोर आई कैप है तो फर्स्ट का जो है वो क्यू आ रहा है देखो अगर आप ढंग देख से देखो तो क्यू जो है वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है तो फर्स्ट का क्यू इसका मतलब ये वाली रो कह सकते हो ये वाली रो कह सकते हो तो इन दोनों में मैचिंग करवानी सेकेंड का पी दे रहा है थर्ड का एस एस फोर्थ का टी और आर है तो इसमें हमें चेक करना है तो फोर्थ वाले पार्ट को अगर हम देखें तो फोर्थ में कोस ओमेगा टी जे कैप और यहां पर ये साइन ओमेगा टी है ठीक है ये साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी के कैप मतलब कोस और साइन वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले बस ये स्विच हो गया कोस की जगह साइन आ गया साइन की जगह कोस आ गया बाकी सब कुछ सेम है जे कैप जे कैप के कैप के कैप बस इसी को चेक करना है तो अगर मैं साइन की बजाय यहाँ पे कोस लगा दू ये कोस अगर होता और ये साइन अगर होता तो यहां पर कितना आता यहां पर कोस के बजाय कितना आ जाता साइन साइन आता साइन आता तो डिफ्रेंशिएशन जब ओमेगा तो आता और यहाँ साइन की बजाय यहाँ पे कितना आ जाता कोस आ जाता लेकिन यहाँ माइनस साइन फिर रहता माइनस साइन फिर मेंटेन रहता क्योंकि डिफरेंशिएशन प्लस का कोस ओमेगा होता है ना तो माइनस यहाँ पे एज इट इज रहता यहाँ कोस आ जाता फिर यहाँ एम वेक्टर लिखते तो एम वेक्टर में फिर यहाँ माइनस तो रहता ही रहता उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और ये कोस रहता है यहाँ पर ठीक है कोस के कैप ठीक है कोस के कैप एंड देन फिर एम क्रॉस बी रखते हैं तो यहाँ माइनस अब देखिए एम क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो एच डीज आएगी लेकिन के क्रॉस जे करते के क्रॉस जे अगर यहाँ पे होता के क्रॉस के तो वैसे जीरो के क्रॉस जे कितना आता माइनस का आता माइनस माइनस फिर ये क्या आ जाता प्लस आ जाता सही है और यहाँ पर कितना आता कोस स्क्र कोसरोगा अगेन ये कोसोमेगा टी की वैल्यू कोस मतलब फाइव बाई सिक्स बोले तो रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू का स्क्र करते कितना आता थ्री बाय फोर आता तो प्लस का थ्री बाय फोर एल्फा आई कैप

आइए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये देखिए आपको लेंसेज की कॉम्बिनेशन दे रखे हैं ठीक है और ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये फोकल लेंथ गिवन है आपको और हमसे पूछा है लिस्ट वन में तो लेंस का कॉम्बिनेशन दे रखा है लिस्ट टू में फाइनल इमेज देख है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी ठीक है तो बहुत आसान क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का ये चलिए करते हैं स्टार्ट देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में बात करें फोकल प्लस का टेन है और ये जो ऑब्जेक्ट है ट्वेंटी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मतलब टू एफ डिस्टेंस पर है टू मतलब एफ डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज टू एफ डिस्टेंस पे बनती है तो इसका मतलब इस रिफ्रेक्शन से जो इमेज बनेगी वो टू एफ पर बनेगी मतलब बीस पे बनेगी पांच यहाँ पर है, तो यहां पर कहीं ना कहीं पंद्रह सेंटीमीटर पर इमेज बन जाएगी इसको मैंने लिख दिया, ठीक है? ये इस इस वाले से इमेज बनी। फिर लेंस फॉर्मुला लगाऊन वी माइनस वन अपॉन यू एंड प्लस फिफ्टीन ठीक है इज इक्वल टू वन ओवर एफ फोकल वन बाई फिफ्टी जाएगा 1 plus 1 मतलब v की यहां से आ जाएगी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर प्लस का आ रहा है इसका मतलब इमेज जो वो रियल बनेगी और प्लस बोले तो इस लेंस से राइट साइड में इमेज बनेगी जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है मतलब पी में गिवन है इसका मतलब फर्स्ट का पी आ रहा है ये कंफर्म है ओके देखते हैं एक बार इसका आंसर देखते हैं देखिए फर्स्ट का पी आएगा ये कंफर्म है तो पी और पी फर्स्ट और थर्ड में ही मैच हो रहा है सेकंड और फोर्थ में नहीं हो रहा तो इनको वैसे ही रिमूव कर दो इसमें फर्स्ट का पीपी सेकंड का आर एंड टी तो इसका मतलब सेकंड को ही चेक करना है और अपने पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा देखिए सेकंड वाले में चलते हैं वापस फोकल एंड टेन गी है ये ट्वेंटी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है और ये कॉनकेव लेंस है ओके okay? तो ऑब्जेक्ट को अगर ट्वेंटी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर अगर आप रखोगे तो अगेन जो इमेज है वो कितने पे बनेगी ट्वेंटी पे बनेगी ट्वेल्थ डिस्टेंस बनेगी तो ये डिस्टेंस कितनी आई पंद्रह आ गई क्योंकि ये पांच है तो पंद्रह ही होगा अब इस लेंस से रिफ्लेक्शन के लिए फॉर्मूला जब अपन लगाएंगे तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू एंड यान अपॉन एफ एंड माइनस का दस आ जाएगा अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं देखो इसको इधर ले आइए तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन फिफ्टीन माइनस वन अपॉइन टेन अब इसमें थर्टी का आ जाएगा ये आ जाएगा टू या माइनस थ्री तो वी की वैल्यू कितनी आई माइनस का थर्टी सेंटीमीटर तो इमेज जो है वो माइनस थर्टी सेंटीमीटर मतलब इस वाले लेंस से लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी वो भी थर्टी सेंटीमीटर पर तो क्यू तो है नहीं आ, ये देखो ये रहा आर में मिल रहा है फाइनल इमेज इज एट सेंटीमीटर ऑन द द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस तो क्या आर है सेकेंड वाले में यस है जी तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है अपन चेक कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इजी था एक तरीके से आ, इस क्वेश्चन में अपन मार्क्स काफी अच्छे से बढ़ा सकते थे ठीक है जी ये था आपका पेपर वन थैंक यू